में किस प्रकार लगाते हैं इसकी जानकारी दूंगा। कोई भी पौधा हो, भंटा हो, टमाटर हो, मिर्चा हो, या कोई भी पौधा लगा रहे हैं तो हमें किन किन बातों का ध्यान देना होगा। सबसे पहली बात यह है कि जो पौधा आप लगा रहे हैं उसके लिए पॉट की ज़रूरत, किस साइज़ की चाहिए और उसमें कितने पौधे लगाए जा सकते हैं, इस बात का ध्यान देना होगा। ये आपके सामने जो गमला है ये 10 इंच का है, इसमें मैं एक बैंगन का पौधा लगा करके दिखाऊंगा। 10 इंच के पॉट के लिए बैंगन का एक पौधा काफ़ी है। अब पहली बात तो पॉट के साइज़ का ध्यान देना है कि हमारे पौधे को कितना स्थान की ज़रूरत है। दूसरी बात, गमले को देखना होगा कि इसमें प्रॉपर ये पानी निकलने के लिए ड्रेनेज होल होना चाहिए। इसका देख लीजिए एकदम प्रॉपर होल है। अब पौधा लगाने से पहले किसी पत्थर, कंकड़, टाइल्स, किसी टुकड़े की सहायता से उसको हम छेद बंद करेंगे। छेद बंद कर दिए, अगर आपके पास सूखे पत्ते हैं तो आप नीचे की सतह में इनको डाल सकते हैं। इनको डालने से फ़ायदा ये होगा कि पानी निकलने के लिए अच्छा स्पेस मिलेगा मिट्टी में, और कुछ दिन के बाद ये पत्ते सड़ जाते हैं तो ये कंपोस्ट का भी काम करते हैं। तो इस तरह से हम इसमें नीचे इन सूखे पत्तों को डाल दिए। पहले ड्रेनेज होल बंद किए गमले के टूटे हुए टुकड़े से, इसके बाद मैं सूखा पत्ता डाल दिया। इसके बाद इसमें हम मिट्टी भरेंगे। मिट्टी भरने के लिए, मिट्टी बनाने की प्रक्रिया मैं अपने पहले वाले वीडियो में आप लोगों को विधिवत बता चुका हूँ। यहाँ पे बहुत संक्षेप में जानकारी दे देते हैं कि जो मिट्टी मेरे सामने रखी हुई है इसको हमको अच्छी तरह से मिक्स करना है और इसे भुरभुरी कर लेना है। इस मिट्टी में पहले से ही रेत, कंपोस्ट और नॉर्मल मिट्टी मिली हुई है, लगभग तीनों की ही मात्रा समान है। इन पौधों के लिए हमको रेतीली मिट्टी, दोमट मिट्टी, बलुई दोमट अच्छी होती है। अगर मिट्टी भारी है तो उसमें रेत मिलाना ज़रूरी रहता है। इसमें तीनों चीज़, कंपोस्ट, रेत और नॉर्मल मिट्टी, तीनों मिली हुई है। इसके बाद हम क्या करेंगे कि कीटाणुनाशक के लिए थोड़ा सा हम इसमें, ज़्यादा नहीं, ये एक मुट्ठी नीम की खली मिक्स कर लेते हैं। ये नीम की खली डाल दिए और साथ में ये मिट्टी को हल्का करने के लिए बहुत ही थोड़ा सा कोकोपीट मिला दिए। ये नारियल के छिलके का बुरादा होता है। इसके बाद सावधानी के तौर पे साइपर मेथरीन डीपी 0.25% मिट्टी में थोड़ा सा एक चम्मच के बराबर मात्रा छिड़काव कर दे रहे हैं। ये देखिए हमने कीटाणुनाशक पाउडर छिड़क दिया। ये हो गया जड़ का संतुलित विकास के लिए। ये फंगस ट्राइकोडर्मा, ये ट्राइकोडर्मा है, इसकी बहुत थोड़ी सी मात्रा इसमें डाल दिए। अब इस तरह से थोड़ा सा इसमें हम वर्मी कंपोस्ट मिला लेंगे ताकि हमारी मिट्टी न्यूट्रिएंट से भरपूर हो जाए। ये वर्मी कंपोस्ट डाले, एक मुट्ठी और वर्मी कंपोस्ट डालेंगे। इस मिट्टी को अच्छा से ऊपर से नीचे तक मिक्स करेंगे और मिट्टी मिक्स करने के बाद इसको हम हाथ से या किसी टूल्स की मदद से मिट्टी को गमले में भरेंगे। ये मिट्टी को हम गमले में भर रहे हैं। मैं काफ़ी मिट्टी भर लिया है, थोड़ा जगह खाली है। पहले इस गमले में हम अपने पौधे को सेट करेंगे और सेट करने के बाद अगल बगल से मिट्टी डाल देंगे। ये मेरा पौधा, ये बैंगन का पौधा है। यह बहुत छोटे गमले में, 6 इंच के गमले में मैं लगाया था, तो 6 इंच के गमले में इतना बड़ा तो हो गया था, लेकिन ये आगे नहीं चल पाएगा, इसलिए मैं इसमें बड़े गमले में शिफ्ट कर रहा हूँ। और देखिए ये जो पौधे के नीचे ये सकर्स निकलते हैं, इनमें फल नहीं आता है, इनको चूसक बोलते हैं, सकर्स या चूसक। ये जो गमले में न्यूट्रिएंट्स है उसको खींचते हैं, तो इनको हमें ये अलग कर देना है, इनकी आवश्यकता नहीं है। और देखिए ये मेरे पौधे में इस समय भी कितना बढ़िया जड़ है। और अब हम इसमें इसको इस तरह से खड़ा करके देखेंगे, ठीक है, इतना सही जगह पे है, तो इसको हमें और नीचे करने की ज़रूरत नहीं है। इसके अगल बगल से हम यहाँ पे मिट्टी डालेंगे। ये मिट्टी डाले,
और इसे हल्के हाथ से दबा देंगे ताकि हमारा पौधा पानी के प्रवाह में गिरे ना। दोस्तों, ये हमने आपको जो मिट्टी अपने पहले वाले वीडियो में मिट्टी बनाने की प्रक्रिया बताई थी, अगर उस तरह से आप अपना मिट्टी तैयार करते हैं तो आपका पौधा बहुत ही अच्छा से होगा। ये देखिए, हमने अच्छे से पौधे को सेट कर लिया, और इस तरह से पौधे को सेट करने के बाद हमारे गमले में कम से कम 1.5 इंच जगह बची हुई है। इतनी जगह हमको छोड़ना है ताकि आगे अगर हमें कोई एक दो मुट्ठी खाद डालना है तो उसके लिए गमले में जगह बची रहे, और पानी डालने के लिए जगह होना चाहिए, क्योंकि अगर जगह नहीं रहेगी तो पानी के धार के साथ में मिट्टी बाहर फैलती है और पानी भी हम भरपूर मात्रा में नहीं दे पाते हैं। तो इस तरह से अब लास्ट में हम इसमें अपने गमले में पौधा लग चुका है, ये पानी डालेंगे और इसको छांव में रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। धूप, बैंगन के पौधे को धूप प्रिय है, मैंने इसमें भरपूर पानी डाल दिया और ये पानी अभी मिट्टी थोड़ी देर में नीचे तक सोख लेगी और ये 2-3 दिन तक मेरे गमले में नमी बनी रहेगी। 2-3 दिन के बाद पुनः पानी देना है, इसको बराबर ध्यान में रखना है। दिन भर में एक बार अपने बगीचे में घूम करके जो भी पौधे लगाए हैं सारे पौधों को निगाह डालिए कि कहाँ पानी की ज़रूरत है, जहाँ ज़रूरत है वहीं पानी दीजिए, और जहाँ ज़रूरत नहीं है, नमी बरकरार है, वहाँ नमी में तुरंत पानी देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पौधों को धूप भी चाहिए, गर्मी भी चाहिए, नमी भी चाहिए। तो ध्यान रखिए अपने पौधों का, जब आपको लगे कि ऊपर की मिट्टी 1 इंच तक सूख गई है तब उसमें आप जो है पानी दे दें। मौसम के हिसाब से, अगर गर्मी का मौसम है तो आपको सुबह शाम दोनों टाइम पानी देना पड़ सकता है, बरसात का दिन है, बरसात हो रही है तो पानी देने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर जाड़ा का दिन है तो आप एक दिन पानी दे दिए तो 4-5 दिन तक फिर पानी देने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इस प्रकार पौधे को, अपने बैंगन के पौधे को यहाँ पे किस तरह से लगाते हैं, कोई भी पौधा लगा सकते हैं, सारे पौधे की एक ही प्रक्रिया है। किसी भी पौधे में ओवर वाटरिंग नहीं करना है और लेस वाटरिंग भी नहीं करना है। ओवर वाटरिंग का मतलब ये है कि बहुत ज़्यादा पानी देंगे तो ज़्यादा पानी से भी पौधे की हमारे जड़ें सड़ जाएंगी, और कम पानी देंगे तो कम पानी देने से पानी केवल ऊपर ऊपर ही रह जाएगा और नीचे जो जहाँ तक जड़ का विस्तार हुआ है वहाँ तक पानी नहीं पहुँचेगा, और नीचे तक अगर पानी नहीं पहुँचेगा तो हमारे जड़ों को खुराक नहीं मिलेगा नमी का, तो मेरा पौधा सूख जाएगा। तो कोई भी पौधा लगाना हो, इसकी ये मोटी मोटी जानकारी रही, और ये वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। हमें उम्मीद है कि आप लोगों को यह जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर आपको अच्छा लगे तो हमारे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन की घंटी दबाइए ताकि मैं बार बार आपके सामने किसी न किसी सब्जेक्ट पे आ सकूं और मेरी जो जानकारी है उसे आपके साथ में साझा कर सकूं। धन्यवाद।